और अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद इसका औपचारिक ऐलान हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि उद्धव ने यह फैसला सांसदों के दबाव में लिया है, लेकिन उद्धव ने समर्थन देने का ऐलान करते वक्त कहा कि वो किसी के दबाव में नहीं है। आने वाले कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान की राष्ट्रीय मतलब राष्ट्राध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से खबरें फैल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि मेरे ऊपर हमारे सांसद लोगों ने एक प्रेशर लाया है, कुछ लोगों ने प्रेशर टैक्टिक्स या टेक्निक या कुछ किया है, ऐसे कोई दबाव में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे शिवसेना के जो मेरे अपने लोग हैं जो आदिवासी है और आदिवासी समाज में जो काम कर रहे हैं, मैंने जो बात कही कि जैसे हमारे शिवाजीराव ढवळे एकलव्य संघटना उसके वो प्रमुख है, हमारे नए विधान परिषद सदस्य अमशा पडवी, फिर हमारी निर्मलताई गावित है, बहुत सारे लोग हैं, पालघर जिला परिषद की अध्यक्षा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि पहली बार हमारी एक महिला भगिनी आदिवासी समाज से देश का जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर विराजमान होने जा रही है। तो मैंने भी यही सोचा कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, और उस भावना का आदर करते हुए आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। उद्धव के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर बीजेपी नेताओं ने उद्धव को धन्यवाद दिया और लेकिन साथ ही चुटकी भी लेने से नहीं चूके। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि उद्धव ने समझने में बहुत देर की। उद्धव जी ने जो निर्णय लिया है उसका समर्थन करने में, समझता हूँ कि उसको उसका मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बहुत देर की उन्होंने समझने में देर की उनकी समझ में देर की और अपने सांसद के दबाव के सामने उनको मजबूर होना पड़ा समर्थन देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो धांधलियाँ हैं उनकी उनकी अंदरूनी पार्टी में चल रही हैं उसके उसका तो नतीजे वो खूब स्वयं देख रहे हैं। अगर पहले से ही अगर वो कार्यकर्ताओं की या सांसदों की बात समझते तो ये निर्णय पहले हो सकता था। फिर भी उन्होंने जो निर्णय दिया है उनका मैं तो निर्णय का स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि यही बात उनके लिए ठीक थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।